जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हमला हुआ और उसमें पुलिस, आप फुटेज में देख सकते हैं, पुलिस साफ साफ वहां दिखाई दे रही है और पुलिस द्वारा कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, और जबकि फुटेज में लोगों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे ज्ञापन में हमने यही मांग करी है कि उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस लापरवाही की CBI से जाँच करवाई जाए। आम आदमी पार्टी अजमेर जिला द्वारा कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले की निंदा करते हुए जांच की मांग। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी शहर जिला अजमेर के द्वारा जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले की निंदा करते हुए आरोपियों को सजा दिए जाने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला प्रवक्ता कल्पित ने बताया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के घर पर एक राय होकर पुलिस की मौजूदगी में हमला किया गया, वह एक सोची समझी साजिश थी जिसमें पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उपद्रवियों ने मुख्यमंत्री के निवास पर लगे CCTV कैमरे तोड़ डाले, साथ ही मकान पर लगी नेम प्लेट को भी काले रंग से पोत दिया। यह सब घटना दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हुई, लिहाजा घटना की जाँच किसी अन्य एजेंसी से कराकर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। मार्च 2022 को जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी के घर पर, जहाँ पे उनका परिवार रहता है, वहाँ पे हमला किया गया राजनीतिक गुंडों द्वारा, और उनके वहाँ पे CCTV कैमरा और उनकी सुरक्षा के साथ जो लापरवाही करी गई है, उसके बाबत हमने आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है ADM सिटी को। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हमला हुआ और उसमें पुलिस, आप फुटेज में देख सकते हैं, पुलिस साफ साफ वहां दिखाई दे रही है और पुलिस द्वारा कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, और जबकि फुटेज में लोगों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे ज्ञापन में हमने यही मांग करी है कि उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस लापरवाही की CBI से जाँच करवाई जाए। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं और क्या है? हमारे द्वारा ये कार्रवाई की मांग की गई है कि जब स्पष्ट रूप से चेहरे सामने हैं तो उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पे उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, और जो भी इस जघन्य अपराध की सजा होती है कानून में, वो उनको मिलनी चाहिए। तो ये मांग हमारे द्वारा की गई है, बट जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो केंद्र के अंतर्गत आती है और सत्तारूढ़ पार्टी अपने लोगों पर कार्रवाई करेगी, इसका हमें पूरी आशंका है कि वो ऐसा नहीं करेगी, तो इसी कारण हमने राष्ट्रपति के नाम किया।